बिहार में ही केस हुआ था, पटना में एफआईआर हुआ था, उसको लेकर आपने कई बार बोला भी है कि किस तरीके से लगे हुए हैं, और जिस तरीके से पटना पुलिस को ह्यूमिलिएट किया गया था उसको लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन जो भी है सब कुछ फाइनल हो चुका है। देखिए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, बाकी सारी स्टोरी पीछे की जो हो गई, इसको कुछ नहीं बोलना है। अब तीन एजेंसीज अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रही है, ईडी देख रही है इसको, और इसको एनसीबी देख रही है, इसको सीबीआई देख रही है, तीनों को अपना काम करने दीजिए। अभी एक एजेंसी के नतीजे कुछ सामने आए, रेरा चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो इतना हंगामा हुआ, इतना एक्साइटमेंट हुआ देश में पूरा, उसी तरह से अभी तो ईडी का काम बाकी है, अभी तो सीबीआई का पूरा काम चल ही रहा है, तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, और मैं समझता हूँ कि सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तो ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपको लगता है कि सुशांत मामले में भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होगी, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि देखिए प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए, एक प्रोफेशनल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और सीबीआई बीच में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बात बोलती नहीं है, उनका तरीका काम करने का बिल्कुल अलग है, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक दिन नतीजा आएगा, चौंकाने वाला भी आ सकता है, कौन जाने।